आखिरी बार जो विनोद जी ने मुझे बोली थी उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले, वो बोल भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे बोला था कि सुरेश प्रभु को फोन लगाओ, वो तब रेलवे मिनिस्टर थे, और सुरेश प्रभु जी से उन्होंने कहा कि कुछ भी हो आपको मेरे रेलवे के काम किसी भी हाल में करने हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत काम किया था एंड इट वॉज ऑलमोस्ट नियर कम्प्लीशन। तो मैं पठानकोट आई और मैंने फॉलो अप करना शुरू किया। 20 साल, लगभग 20 साल जो विनोद जी और मैं 1998 में उन्होंने पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ा, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली हल्के में। मैंने वहाँ काम किया है, जब उनकी तबीयत बिगड़ती गई तो मैं ही सारा काम हल्के में संभालती थी। वैसे भी दिल्ली में आपने मेरे क्वालिफिकेशंस देखे हैं, आपके पास वो हैंडआउट भी है। दिल्ली का ऑफिस तो पहले से मैं ही चलाती थी, लेकिन इस बार वो लोगों के बीच में जाना ये सारा मैं ही करती थी। और मैं खुद आश्चर्यचकित हो गई कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो काम इतने तेजी से, मतलब जहाँ भी मैं जाती थी विनोद जी की गुडविल की वजह से, उनकी इंटेग्रिटी की वजह से, क्योंकि वो सच्चे कर्मयोगी थे कि वो जान नहीं सकती। सबने कहा कि जो पार्टी ने आपके साथ किया ये ठीक नहीं किया, और कहते थे कि आपका हक बनता था कि आप कैंडिडेट बनो, इसलिए नहीं, मैं वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई मेरिट पे डिजर्व करता है तो उसको डिनाई किया जाए क्योंकि वो एक परिवार में से है। तो वो चाहते थे, वो कह रहे थे कि आपका हक बनता है, क्योंकि मैंने वहां 20 साल और विनोद जी के जाने के बाद काम किया था। पिछले 1.5 साल में बहुत काम हुए हैं, और इस बार तो मुझे बोला गया कि आप कैंडिडेट हो, और मैंने पूरे पेपर्स तैयार किए थे, सब कुछ तैयार किया था। और इस बार जब उन्होंने अंतिम समय पे किसी और कैंडिडेट को घोषित किया तो मैं आपको बता नहीं सकती लोगों में कितना रोष था, क्योंकि पहले तो सिंपथी वेव थी ही, फिर लोगों ने मुझे काम करते देखा, व्हेन दे डिनाइड मी द टिकट, नॉट ओनली वाज देयर अ सिंपथी वेव बट इट गॉट एम्प्लीफाइड बिकॉज आई आल्सो बिकेम द अंडरडॉग। और लोगों में इतना ज्यादा रोष था कि मुझे इतने फोन पे फोन आने लगे कि आप लड़ो, जो आपके साथ हुआ ठीक नहीं हुआ, जैसे हुआ ठीक नहीं हुआ, आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जहां भी हमको बोलेंगे आने के लिए हम आएंगे, आपका नॉमिनेशन में ऐसा प्रदर्शन होगा कि गुरदासपुर ने कभी नहीं देखा हो। और मुझे इतने फोन आ रहे थे, एक फोन पर मैं बात कर रही थी तो 3-3 मिस कॉल्स की टेलिंग में कि आपने हमको विनोद जी दिखाई देते हैं और हमें उस तरह की राजनीति चाहिए जो विनोद जी ने की है, विच इज एक्चुअली सेवा भाव से डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो मैं जब ये काम होते गए तो बाय इलेक्शन के समय वैसे भी कौन दबाव था कि मैं बाय इलेक्शन लड़ू, तो मैंने अपना मन पक्का किया कि मैं गुरदासपुर की भी सेवा करना चाहती हूँ और मैं अपने देश की भी सेवा करना चाहती हूँ। पूरी तैयारी की, पार्टी ने मुझे 1.5 महीने के लिए पूरा कार्यकर्ता मीटिंग, हर जगह जहाँ पार्टी का प्रोग्राम होता था मुझे आगे किया। और जब मैंने सारे पेपर्स तैयार किए और फिर किसी और को कैंडिडेट बनाया, तब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही कहा कि मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री में, अपने अध्यक्ष में, कि वो जो करेंगे पार्टी के हित में होगा, गुरदासपुर के हित में होगा और देश के हित में होगा। और मैं
नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए भी गई क्योंकि मैंने जबान दी थी कि जो भी कैंडिडेट होगा मोदी जी का होगा, मेरा कैंडिडेट होगा। बाय इलेक्शन का नतीजा आप जानते हैं, मोटा मोटा हिसाब बता रही हूँ ना आपको। विनोद जी 1.5 लाख से जीते थे, हमारे कैंडिडेट 2 लाख से हारे, 3.5 लाख का स्विंग था और 1.5 लाख वोट तो पड़ी ही नहीं। तो जो कांग्रेस के एमपी बने उनको तो वो गुरदासपुर के तो थे नहीं, तो तब भी मैंने काम करना छोड़ा नहीं।